कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। किन्नरों के लिए विभिन्न सुविधा दिलाने के लिए समाज सेविका नगर सेविका रेखा ठाकुर ने जबरदस्त पहल की। इसी से प्रेरणा लेके विभिन्न एनजीओ ने स्किल डेवलपमेंट का आयोजन किया किन्नरों के लिए। आइए देखते हैं इसी के ऊपर एक खास रिपोर्ट। ट्रांसजेंडर्स यानी जो किन्नर समाज है उनके लिए वैसे भी कई सालों से हम ऐसी कैंप्स लगाते आ रहे हैं जिसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन आईडी हुआ, इवन उनका सीनियर सिटीजन कार्ड भी हमने बनवाया है। और किन्नर्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन फैसिलिटी भी अवेल करवाई गई है। काफ़ी सारे किन्नरों को पेंशन कार्ड भी बनवा के दिया है। उस दिन भी एक ऐसा ही जस्ट कैंप नहीं, फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे कि जिन किन्नरों के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है वो फॉर्म भर के अपनी आईडी बनवा सकते हैं। वो कैंप हम नेक्स्ट वीक लगाने वाले हैं जहाँ पर किन्नरों का जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन होने में भी काफ़ी उन्हें दिक्कतें होती हैं, तो उनका बैंक अकाउंट भी ओपन किया जाएगा। और किन्नरों का बचत घट नहीं है और पत्तेरी भी नहीं है, तो हमने एक ये भी प्रोजेक्ट प्लान किया है कि पत्तेरी और बचत घट बनाएंगे किन्नरों का। और साथ ही साथ उनको बेसिक जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं जैसे ब्यूटी पार्लर के हुए या फैशन डिज़ाइनिंग का हुआ, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हुआ, कैंडल मेकिंग, अगरबत्ती मेकिंग, ऐसे करके हमने काफ़ी सारी चीज़ें, होम डेकोर के जो सामान बनते हैं, ऐसे बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी हमने उनके लिए प्लान किए हुए हैं। और साथ ही साथ बेसिक जो एजुकेशन है जैसे इंग्लिश स्पीकिंग हुआ या कंप्यूटर्स, जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है वो भी हम उनको देना स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आखिर फाइनली बहुत सालों के बाद लोगों को लगा कि यस, ट्रांसजेंडर्स भी हैं और उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो काफ़ी सारे एनजीओ साथ में हैं, जैसे दायमा जी हैं, अनुष्का शर्मा हैं, काजल मूलचंदानी जी हैं, जो एक ऑनलाइन ऐप उन्होंने स्टार्ट किया है मेरा ई दुकान, उनके थ्रू उनको वर्क फ्रॉम होम देने वाली हमारी ज्योति तारे मैडम जो हमेशा से एक्टिव रहती हैं, तो जो पेपर बैग्स हैं या क्लोथ बैग्स हैं ऐसे कुछ काम उनको देने वाली हैं। और बहुत सारे और भी लोग जुड़े हुए हैं जो उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग देंगे और साथ ही साथ उनको काम, एम्प्लॉयमेंट दिलाने के पीछे भी हमारी वर्किंग चालू। देखिए उल्लासनगर में तो काफ़ी किन्नर्स हैं जिनके लिए ऑलरेडी हम 3 साल पहले ही हमने एक कैंप लगाई थी और काफ़ी किन्नरों के जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे वो बन चुके हैं। बाकी थोड़े ही किन्नर्स रहे हुए हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स बनना बाकी है। ये जो कैंप है ये सिर्फ उल्लासनगर की किन्नर नहीं बल्कि उल्लासनगर के जो सबर्ब्स हैं जैसे कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, डोंबिवली, वहाँ के, इवन भिवंडी के भी कई सारे किन्नरों के लिए ये सारी कैंप्स लगाई जाएंगी। इसके साथ ही साथ कुछ समय पहले मैंने एज अ कॉरपोरेटर कॉरपोरेशन में एक प्रपोजल भी दिया था कि जो ट्रैफिक वार्डन्स जो एक्स्ट्रा कॉरपोरेशन की तरफ से खड़े किए जाते हैं उनमें अगर किन्नरों को चांस दिया जाए और उन्हें वो सर्विसेज प्रोवाइड करने का मौका दिया जाए तो वो बहुत अच्छा प्रूव हो सकता है। और अल्टीमेटली देखिए हम सब ने जब उनको अगर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लिया तो वो भी एक बहुत अच्छी लाइफ जी पाएंगे और उनको भी एक अच्छी ऑक्यूपेशन मिलेगी। जैसे अभी हमारा नेक्स्ट, जैसे ही स्कूल्स कॉलेजेस के नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टार्ट होंगे तो मैंने गौरी सावंत जी हैं या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं किन्नर समाज के, उनसे, उनके साथ मेरी बातचीत चालू है। और बहुत सारे नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स भी हम लाने वाले हैं और गवर्नमेंट से भी कई सारी मांगे हैं हमारी। इसके साथ साथ जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन है सिंधु एजुकेशन सोसाइटी, उसमें मैंने एक कमिटमेंट ली है कि जो सिक्योरिटी सिस्टम है, इन ऑल हमारे 7 स्कूल्स हैं उसमें जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे सुबह और रात को जो सिक्योरिटी गार्ड्स लगते हैं, तो हमारे पूरे स्टाफ मीटिंग हो चुकी है और हमने ऐसा कमिट किया है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड की जो सर्विसेज है वो हम किन्नरों को देने वाले हैं ताकि उन्हें भी एक मौका मिले अपने आप को एक्सप्लोर करने का। जसं समाजामध्ये हा एक समाजाचं पण खूप महत्त्व आहे पण लोकांचा दृष्टिकोन या समाजासाठी वेगळा आहे। तर गेल्या 4-5 वर्षापासून रेखा ठाकूर वलेचा आमच्या उल्हासनगरमध्ये एक मोठ्या प्रमाणात या लोकांसाठी काम करत होत्या।
तर त्यांचीच प्रेरणा घेऊन काही आपण पण या या समाजासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. ते एक विविध स्किल्स आम्ही या समाजासाठी घेऊन आले की जेणेकरून त्यांना पैसे मागायची गरज नाही लागेल व त्यांना आम्ही एक काम देऊ शकतो. तर याच विचारधाऱ्याने आम्ही त्यांच्यासाठी काम करण्याचं सगळ्या एनजीओसनी आम्ही निर्णय घेऊन आम्ही त्यांच्यासाठी काम करतो आहे. पेपर बॅग्स, जसं की तुम्हाला माहिती आहे 2018 प्लास्टिकवर जी बंदी लागलेली आहे त्याच्यासाठी आम्ही या समाजासाठी पेपर बॅग्स आम्ही त्यांना घरी बनवायला देऊ. प्लस आम्ही त्यांना मार्केटिंगमध्ये पण त्या लोकांना आम्हाला स्किल डेव्हलप करून त्याला आम्ही मार्केटिंगसाठी जॉब देऊ शकतो. विविध प्रकारच्या योजना होत्या, जसे त्यांची ओळखपत्र. आज या समाजासाठी काहीच त्यांचं एक अस्तित्व नाही आहे, तर त्यांच्यासाठी एक ओळखपत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बँक्स अकाउंट्स, प्लस त्यांची पतपिढी, बचत गट व विविध क्षेत्रामध्ये जसं ब्युटिशियन कोर्स त्यांच्यासाठी, पेपर बॅग्स मेकिंग, कॅन्डल मेकिंग्स, अशा विविध प्रकारच्या आम्ही त्यांच्यासाठी जॉब्स अवेलेबल केलेल्या आहेत. ते काय काय होतं, म्हणजे काय काय त्यांच्यासाठी रजिस्ट्रेशन केलं की काय केलं त्याच्या? रजिस्ट्रेशन त्यांच्या आता पुढच्या महिन्यामध्ये आम्ही त्यांचे परत एक ओळखपत्रांसाठी रजिस्ट्रेशन करणार आहे, कॅम्प लावणार आहे त्यांच्यासाठी, आणि विविध वेगवेगळे आम्ही त्यांना जॉब्स पण देणार आहे. हे वेगळ्या वेगळ्या संघटना होत्या, हे एकत्र करू येऊन हे त्यांच्यासाठी काम करत आहे, पण याच्यामध्ये मेन वर्किंग वान्या फाउंडेशन करून करतोय आम्ही. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें.